पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने रविवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत पन्हों में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर 60 परिवार के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थामा। पूर्व मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक पानी के टैंक, जिसका गांव की ही कन्या के द्वारा आरती करने के बाद रिबन काट कर शुभारंभ भी किया गया। इस मौके पर पंचायत डेरा करोट चबूतरा के परिवार भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का पंचायत प्रधान अनिल शामा, एससी बस्ती से युवा कार्यकर्ता रवि कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री को हिमाचली टोपी व तलवार के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश प्रदेश व गांव की तरक्की में युवा वर्ग का सबसे बड़ा अहम रोल रहा है। युवा वर्ग तरक्की तभी कर पाएगा जब वो नशे से दूर रहेगा। जिस तरह से युवा खेलों के प्रति अब अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं, वे आने वाले भविष्य के लिए बेहतर संकेत भी हैं। उन्होंने बच्चों के परिजनों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों की हरकत पर नज़र रखें ताकि वे सही एवं सुरक्षित रह सकें। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल होने के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और राजनीति से जुड़कर समाज सेवा करता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको केवल सरकार करवा सकती है, इसलिए राजनीति ऐसा मंच है जिसका सदुपयोग कर जनसेवा करनी चाहिए और लोगों को सुविधाएं प्रदान कर उनका ख्याल भी रखना चाहिए। केवल हार कोई और है जो देते रहते देने वाला कोई और भी दिन रह देते हैं। जीवन हार कोई और है जो देते रहते दिन रहे हैं। लोग शक मुझ पर करें इसलिए झुके रहते नहीं। तो मैं तो सर के आंखें झुका लेता हूँ कि देने वाला तो भगवान है। आम जल की बात अगर थे आपको जल जब मिलना था तब मिलना था, वो तो मैंने नहीं दिया, उस कन्या ने दिया जिसने फीता काटा है। सर तो फीता नहीं काटा। मुझे विभाग ने पूछा था किसका किसी का नाम आपके साथ लिखे। मेरे कहा अनुसूचित जाति के बस्ती के जो लोग हैं जो वर्षों से वंचित रहे हैं, जिनको पेयजल तो मिलना चाहिए था मिला नहीं। सरकारें हमारी रही हो किसी की भी रही हो सब दोषी हैं। तो आज उनको न्याय मिल रहा है तो एक कन्या उसी उन्हीं में से हो, उसके माध्यम से। और कैप्टन प्रेम जी थे, इन दोनों को हमने आगे किया कि मिल गया फीता काटो और लोगों को पानी पहुँचाओ। राजनीति हमारे लिए कोई सुख साधन का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े लोग राजनीति सेवा के लिए करते हैं। कुछ काम है जो केवल सरकार द्वारा ही किए जा सकते हैं। कोई प्राइवेट आदमी प्राइवेट सड़क नहीं बना सकता। गवर्नमेंट लैंड में तो गवर्नमेंट ही बनाएगी, लोगों से एक्वायर करनी होगी तो गवर्नमेंट ही करेगी। इसलिए सत्ता भी आवश्यक है। मुझे कई बार बड़ा ऑकवर्ड महसूस होता है, अजीब लगता है जब आप कहते हैं हमने गलती कर दी। गलती शायद मैंने कर दी कि जब मैंने मुझे एक पार्टी ने कहा हमीरपुर से लड़ो, तो जब भी हमीरपुर जाता रास्ते में जितना बमसन कह रही है पड़ता था, वो कहते हमें छोड़ गया। तो इस बार जब पार्टी ने कहा कि आप सुजानपुर से लड़ो, तो मैंने कहा उनका गिला शिकवा भी दूर हो जाएगा। चुनाव ठीक चुना है, हम क्यों बोले तुमने गलत किया। तुम जब हमें चुनते रहे तब आप ठीक थे, जब नहीं चुना तब भी आप ठीक है, हमें गलती होगी। लेकिन इंसान और जानवर में एक अंतर है। इंसान अपने अनुभव से सीखता है। हम सब इंसान हैं, हम अपना अपना अनुभव जो रहा होगा उसे सीखेंगे।
गलत रहा तो ठीक करेंगे, ठीक रहा तो उसे दोहराएंगे। प्रयास तथा संभव होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने आना है, उनके दर्शन आप भी करें, उनका मान सम्मान पार्टी के पक्का डालकर किया जाए। अनिल शर्मा जी ने प्रयास किए, हमारे गठबंधन ने तारी कोशिश की, 50 लाख रुपया आपके गांव के डंगों के लिए स्वीकृत हुआ है। 132 डंगे लग गए। क्रिकेट के एक युवक मंडल खिलाड़ना वाले आए होंगे, आज आए मैं तो उन्होंने आशा से पहले कर आज आपको क्रिकेट किट देंगे। और इस बस्ती के नौजवान भी ये महसूस ना करें कि लगने को दे दी, एक किट में आपके लिए इस बस्ती के लिए बच्चों के लिए भी देंगे। नशे में मत जाओ, कोई भी नशे से बचो। और माता पिता परिवार के लोग भी ध्यान रखें बच्चे क्या कर रहे हैं। जो कौम नशे में पड़ जाती है वो कमजोर हो जाती है। जो बच्चे नशे में पड़ जाएंगे वो ना भर्ती हो पाएंगे फौज में, ना पुलिस में, ना सिविल में। आजकल एक एक बच्चा होता है, माँ बाप भी ज़्यादा सख्ती नहीं कर पाते। तो मेरा सुझाव रहेगा कि पहले से ही ध्यान रखो, बुरी संगत से बचो। कई बार बड़ा आनंद आता है जब सवेरे शाम लेट सड़क में जा रहे होते हैं गाड़ी में, तो देखते हैं हमारे नौजवान बच्चे पसीना पसीना हुए दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते दौड़ने की।